हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीरज नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे इस फोन को लॉक को कैसे तोड़ा जाता है। ये वीवो का फोन, वीवो का कोई भी मॉडल रहेगा, ये ट्रिक काम नहीं करेगा। हम पहले ही बता देते, हम नहीं चाहते कि आप लोगों के साथ खिलवाड़ करें, ठीक है। हमने यूट्यूब पे देखा बहुत सारा वीडियो कि इस फोन का लॉक तोड़ा जा रहा था, बट इसका फोन का लॉक नहीं तोड़ा जा रहा था। इसको अगर वाइप डाटा करेगा फिर भी इसका पासवर्ड मांगेगा। हम आपको दिखा देंगे वो कैसे होता है सो, लेकिन हम पहले ही आपको बता दें कि इस फालतू की वीडियो में आप लोग ना रहें। हम तो आपको इतना ही कहेंगे, इस वीडियो को आप इतना ही तक देखिए, क्योंकि इसका जब तक इसमें आप सॉफ्टवेयर नहीं डलवाते दुकान पर जाके, तब तक इसका लॉक नहीं टूटने वाला है। हम आपको दिखा देते कैसे, देख सकते हैं यहाँ से हम इसका पासवर्ड देते हैं, दिख रहा होगा कि नहीं, पासवर्ड दे रहा था। हम पासवर्ड इसका भूल चुके हैं, उसको फॉरगेट करेंगे ना तो कुछ आंसर मांग रहा है, दिख नहीं रहा है ना। इसका कुछ आंसर होता है यहाँ पे, वो आपको देना पड़ता है। अगर नहीं देता है तब तो नहीं टूटेगा लॉक, जब तक इसको सॉफ्टवेयर नहीं डलवाते हैं तब तक। यहाँ से करता है इस बटन को क्लिक करके, आपको दिखा देते हैं कि वो कैसा आपके वेब बनाता है। सो इससे क्या करना है, आपको पावर ऑफ कर देना है फ़ोन को। इसको जब क्लिक करके रखिएगा तो एक पॉपअप आएगा आपके सामने, इस तरह का पॉपअप आएगा। यहाँ से करते हैं पावर ऑफ। जब आप पावर ऑफ ऑफ करिएगा ना, हम लोग आप लोगों को एक चीज़ बता देते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ही आप लोग हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन जाएगा वो जेन्यून जाएगा, कोई फालतू वीडियो नहीं रहेगा। पावर ऑफ हो चुका है। उसके बाद इसको इसको क्या करता है, इसको क्लिक यानी कि प्रेस करके रखता है वैल्यूम ऑफ बटन, वैल्यूम ऑफ बटन और पावर बटन से इसको थोड़ा देर के लिए प्रेस करता है। उसके बाद ये वाला पॉपअप आता है, उसके बाद आपको रिकवरी मोड में लेकर जाता है। उसके बाद पावर बटन से स्पीकर करते प्रेस करवाता है। प्रेस करने के बाद क्या होता है कि थोड़ा देर रुकना होता है तो फिर एक पॉपअप खुल के आता है, जो आप देख सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉपअप खुल के आ रहा है। यहाँ पे हम जानते हैं कि वीडियो आपको बकवास लग रहा होगा, हम जानते हैं कि बकवास लगेगा ही आपको, क्योंकि इस वीडियो में है कुछ नहीं, इसका लॉक हम नहीं टूट सकते। जब तक इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं डलाएगा तब तक इसका लॉक नहीं टूटेगा। ऊपर में रिबूट सिस्टम और उसके नीचे वाइप डाटा, वाइप डाटा अगर हो जाता ना तब लॉक जाकर टूट सकता था, लेकिन इस पर प्रेस करते चाहे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर रिसेट ऑल सेटिंग करते चाहे वाइप डाटा करते ना, जब तक इसमें पासवर्ड नहीं देंगे ना तब तक ये वाइप डाटा होगा नहीं, यही चीज़। अब वही चीज़ क्या करता है कि यूट्यूब पर जो मैंने वीडियो देखा, बहुत सारे यूट्यूबर लोग वीडियो बनाए कर रखा होगा, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप लोगों को भी हम बेवकूफ़ बने, वो चीज़ हम पहले बता देंगे आपको। उसके बाद वो क्या करता है, फिर से फ़ोन को ऑन करेगा, फिर इमरजेंसी में लेकर जाता है तो कौन कौन स्टार फर्स्ट स्टार डिजिटल सब टिपवाता है, 5-10 मिनट वो अपना खींच लेता है। तो इस चीज़ में हम नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि हमारा चैनल आप लोगों को लिए है, आप लोगों का ही चैनल है हमारा। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर हम गलत वीडियो बनाएंगे तो आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करिएगा। अगर हम नहीं चाहते कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करें, हम चाहते कि आप लोग जेन्यून वीडियो देखें, एकदम अच्छा वीडियो देखें, फ्रेश वीडियो देखें। नहीं चाहते हम कि आप कोई वीडियो को देख रहे हैं आपका कोई काम ही नहीं बना, इस तरह का वीडियो हम नहीं बनाना चाहते, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा हार्ड मार्केट। अगर हम इसको करते हैं ना सिस्टम कहता है वाइप डाटा पे गए, फिर भी क्या मांग रहा है। अगर हम सबसे फर्स्ट वाला जो है वाइप केस जो है इस पर क्लिक करेंगे ना, इस पर भी करते थे लॉक टूट जाता, लेकिन इसमें लॉक मांग रहा है, ठीक है। इससे नहीं कुछ होगा, वाइप केस पर्सियन है उससे कुछ नहीं होगा। अगर हम रिसेट ऑल सेटिंग करने के फिर भी पासवर्ड मांगेगा, कैंसिल करते हैं यहाँ से बाइक आते हैं। उसके बाद वाइप डाटा करेंगे फिर भी पासवर्ड मांगेगा, यानी कि जब तक पासवर्ड नहीं दीजिएगा ना हम, जब तक इसका फ़ोन का लॉक टूटेगा नहीं। आप लोग बोलिएगा जब पासवर्ड पत्ते रहते तो लॉक क्यों तोड़ते, ये भी बात सही है आप लोगों का। तो इसका लॉक तोड़ने के लिए आपको जाना होगा, अपने एक फ़ोन में सॉफ्टवेयर डलवाना होगा, जब जाके आपका फ़ोन का लॉक टूट सकेगा। तो आप लोग फालतू के वीडियो ना देखें, इस वीडियो को देखकर बस करिए। अगर कोई फालतू वीडियो मिलता है तो उससे जल्दी जल्द से आप उसको रिपोर्ट मारिए और उसे अनसब्सक्राइब करिए, यह हमारा मानना है। इस पर हम भी एक वीडियो बना दिए हुए हैं, फालतू वीडियो है, लेकिन मैंने हार मान कर ये वीडियो बनाया था कि आप लोगों को पता चले। तो इस तरह का फ्रेम में नहीं पड़िए, ये जो है ना वाइप केस पर्सन इससे कुछ नहीं होता, यही आपको दिखा देगा थोड़ा देर के बाद सक्सेसफुल हो जाएगा। देख सकते हैं वाइप केस सक्सेसफुल हो गया, उससे लॉक थोड़ी नहीं टूट जाएगा, खुद देख सकते हैं।
भी डाटा करेंगे तो पासवर्ड मांगेगा, कैंसिल करते हैं, फिर उसको क्या करेगा, बैक आ जाता है, उसके बाद रिबूट सिस्टम करता है। रिबूट सिस्टम तो हो ही जाएगा भाई, रिबूट सिस्टम देखिए थोड़ा देर देख लीजिए आप। हम लोग आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, ताकि आपको बेहतरीन वीडियो मिल सके, फालतू वीडियो आपको नहीं मिलेगा। आप हमारे चैनल पर जाकर देखिए वीडियो में, कोई भी फालतू वीडियो नहीं है। तो थोड़ा देर के बाद ही रिबूट हो जाएगा, फिर से पासवर्ड मांगवे करेगा, पासवर्ड टूट थोड़ी नहीं जाएगा, देख सकते हैं आप। थोड़ा देर वेट करिए, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। देख सकते हैं 55 सेकंड का लॉक लगा हुआ है, आप बताइए कहाँ से लॉक तोड़ देगा भाई इसका है। अगर लॉक टूट गया रहता ये सब पॉपअप आई भी नहीं करता। ये सिस्टम किस लिए आया वो हम बताते हैं। ये फ़ोन पहले क्या होता था कि हेरा जाता था, हमारा नहीं किसी का फोन अगर हेरा जाता था, ये मॉडल वीवो का, तो वो क्या करता था कि हार्ड रिसेट कर लेता था खुद से, और खुद से फ़ोन को चलाने लगता था, सिम निकाल के फेंक देता था, हार्ड रिसेट कर लेता था। तो आप किसी को फ़ोन मिलेगा भी तो वो जब तक दुकान में नहीं जाएगा, जब तक इसका लॉक टूटेगा नहीं, जब तक हम उस समय हम क्या कर सकते हैं, उसको खोज सकते हैं कि मोबाइल कहाँ पे है नहीं है। अभी तो आ गया है किसी मोबाइल यहाँ पर, उसका लोकेशन भी पता चल जाता है, इसलिए यह सिस्टम को लेकर आया गया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।